दोस्तों नीदरलैंड के सामने भले ही पाकिस्तान जीत गई हो, लेकिन नीदरलैंड के सामने उनके बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। पूरी टीम 286 रन पर ऑल आउट हो गई। एक तरफ भारत के क्रिकेट पिच को कहा जा रहा है कि यहाँ गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रहा है, सिर्फ बल्लेबाजों को मदद है, और एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया भी बता रही है कि भारत को अच्छा पिच बनाना चाहिए। वहीं उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी वाले ही पिच पर 286 रनों पर ही ऑल आउट हो गए। टीम को शुरू से ही जो झटके मिलने शुरू हुए 49वें ओवर तक ऑल आउट भी हो गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाने वाले बाबर आजम और साथ ही ओडीआई रैंकिंग के भी नंबर वन बल्लेबाज मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने अर्धशतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को 286 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी कमाल नहीं कर सका। नीदरलैंड की तरफ से लीडे ने 9 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट लिए। नीदरलैंड जब बैटिंग करने आई तो इनकी भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पारी के 6वें ओवर में इनका पहला विकेट गिर गया। पूरी टीम 205 रन ही बना सकी। पाकिस्तान यह मुकाबला 81 रनों से जीत गया। नीदरलैंड की तरफ से 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं पाकिस्तान की तरफ से हरीश राउफ को 3 विकेट मिले। दोस्तों पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस बार 4 रन बनाने की बात कर रहा है, वहीं उनकी टीम नीदरलैंड के सामने ही 286 रन पर ही ऑल आउट हो जा रही है। हम सब भारतीयों का तो यही कहना है कि पाकिस्तानी रात को ही सपने देखे, दिन में देखा हुआ सपना पूरा नहीं हो पाएगा। भारत जैसे मजबूत टीम के खिलाफ रन बनाने से पहले तो आप नीदरलैंड के सामने ही घुटने टेक दिए, नीदरलैंड ने ही आपकी औकात दिखा दी। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और हां चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।